हेलो ऑल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा ठंड में ध्यान रखिए अपनी सेहत का, क्योंकि यही टाइम है जब आपकी प्रिपरेशन फुल स्विंग में होनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आप सब ने रिक्वेस्ट भी करी है कि सर आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा कवर करवाइए, तो हम अपना एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, टेम्पल आर्किटेक्चर, उसको ख़त्म करेंगे। दोस्तों, कोशिश ये रहेगी कि इस टॉपिक को एंड टू एंड कवर किया जाए। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करें इसको, एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर से शुरू करें और इसको हम ले जाएं जितने भी हमारे आर्ट स्कूल ऑफ टेंपल हैं उन तक। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और लेक्चर्स को सुनते रहिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर की। भले ही आजकल हमें टेंपल हर जगह देखने को मिलते हैं और इंडिया में तो बहुत प्रोमिनेंट है टेंपल कल्चर, कंबोडिया में और श्रीलंका में हमें बहुत सारे टेंपल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 400 एडी से पहले, गुप्ता एम्पायर से पहले, तो टेंपल कॉमन नहीं थे। ठीक है, और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहाँ पर टेंपल का नामो निशान नहीं था। जो हमें जितने भी अवशेष मिले हैं, जितने भी सोर्सेस हमें बताते हैं कि उससे पहले टेंपल आर्किटेक्चर नहीं था। लेकिन कैसे हमारे देश में टेंपल आर्किटेक्चर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बन गया, ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हिंदू सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस जो एस्पेक्ट हैं उनको हम बहुत ऊपर रखते हैं और हम सभी अपने हिंदू जो रिचुअल्स हैं, हिंदू जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, उनको अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या है कि लोग इकट्ठा हों और पूजा पाठ करें। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे रिचुअल ऐसे देखे होंगे, जैसे जगराता होता है या फिर जो मंदिर में पूजा होती है, आरती होती है, वहां पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो टेंपल एक बेसिकली एक प्लेस बनाया गया था, एक इनिशियल प्लेस बनाया गया था जहां पर सारे लोग आकर इकट्ठे हों और भगवान की पूजा करें, अपने गॉड की जो पूजा है या प्रैक्टिस है उनको करें। ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें टेंपल की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा और आप लोग एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। और हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं है कि जो आज के बड़े बड़े टेंपल हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम दिल्ली का अक्षरधाम कह लें या फिर कोई भी और टेंपल कह लें, बहुत बड़े, बहुत वास्ट टेंपल हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा, एक कहते ना, एक बहुत ही भव्य उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन पहले जो इनिशियल टेंपल्स थे वो इतने बड़े नहीं थे, इतने वास्ट नहीं थे, इतने स्कल्पचर रिच नहीं थे। तो हम उनसे स्टार्टिंग करेंगे कि इनिशियल टेंपल कैसे थे, किस तरीके से टेंपल्स में एवोल्यूशन हुई। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। और आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो टेंपल्स बहुत ज्यादा हैं। हम बात करें सबसे पहले नैना देवी की, ज्वाला जी की, या फिर हम बात करें नगर कोट की, चामुंडा जी की, तो हिमाचल तो रिच है टेंपल्स में। तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को जानना चाहेंगे, आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो अगर हम टेंपल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो कब हमें सबसे पहले इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम जितने भी रिकॉर्ड्स हमें अभी तक मिले हैं, जितना भी डाटा हमारे पास अभी तक है, उसको अगर हम स्टडी करके बताएं तो हमें पता लगता है कि गुप्ता, जिसको हम गोल्डन एज इंडिया की मानते हैं, उस टाइम पर हमें पहली बार इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेंपल्स की जो स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है। जो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर जो हमारा कल्चर है, उसका पार्ट टेंपल बनना शुरू हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो टेंपल आर्किटेक्चर इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता। और आपको पता है ना गुप्ता का फाउंडर कौन है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन है। तो इनके टाइम पर हमें एक सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उस टाइम पर टेंपल बहुत बड़े नहीं है, जो आज के टेंपल हमें पूरे शिखराल बड़े बड़े और मंडप वगैरह सब देखने को मिलता है, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम टेंपल का नाम देते हैं, जिसमें स्क्वायर सेंक्टम होता है। देखिए, सेंक्टम क्या है, बेसिकली जो गर्भगृह है या फिर जहां पर हमारी मुख्य जो माता है या फिर जो मुख्य जो भगवान है वो उसको प्लेस किया जाता है, उसको हम सेंक्टम कहते हैं। एक पूजनीय स्थान, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर शिवलिंग वगैरह रखे होते हैं या फिर जहां पर माता की मूर्ति होती है, उसको हम सेंक्टम कह रहे हैं। ठीक है, गर्भगृह बेसिकली इसके लिए हिंदी में एक प्रॉपर वर्ड है। स्क्वायर सेंटर हमें देखने को मिलता है, पिलर्ड पॉर्टिको। पिलर्ड पॉर्टिको का मतलब क्या है कि जो बरामदा है बाहर वाला, जैसे मंदिर है, मंदिर में एक प्लेस क्या होती है जहां पर भगवान जी रखे होते हैं, और एक आपको उसके बाहर एक बरामदा देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप लोग ज्वाला जी गए हैं तो ज्वाला जी में एक मुख्य मंदिर है जहां पर हमें ज्योत वगैरह देखने को मिलती है,
और उसके जो बाहर वाला एरिया है, जब आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं और जो बाहर वाला पूरा बरामदा है, वहां पर आपको पिलर्ड पोर्टिकोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि सिंपल स्ट्रक्चर आया है उस टाइम पर, स्क्वायर सेंक्टम है एंड अ पिलर पोर्टिको। उसके बाद हमें बड़े टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो गुप्ता के टाइम पर पहली बार हमें टेम्पल की स्टार्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू होते हैं। और ये टेम्पल आपके फ्रॉम फ्लैट रूफ, इनिशियली जो टेम्पल है वहां पर आपको ये मीनार देखने को नहीं मिलेगी, शिखर देखने को नहीं मिलेगा, उस टाइम पर हमें फ्लैट रूफ टेम्पल देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे इवॉल्व होके वास्ट टेम्पल का रूप ले लेते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन सडन है कि एकदम बेसिक बनाया उसके बाद एकदम बहुत अच्छा बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें धीरे धीरे एवोल्यूशन देखने को मिलती है कि पहले सिंपल बनाया, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करी, फिर उस मॉडिफिकेशन के बाद थोड़ी और मॉडिफिकेशन करी, फिर और मॉडिफिकेशन करी, उसके बाद हमें आज के जो टेम्पल है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन है वो बेसिकली 5 stages में हुई है, 5 stages। तो ये 5 stages कौन सी है आप लोग जानने के इच्छुक होंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ इसको। देखिए, जो 5 type की एवोल्यूशन है आपको याद रखना है कि ये जनरली जो टाइम है इसका एवोल्यूशन होने का वो 4th to 7th जो सेंचुरी है हमारे AD में, उसकी हम टाइम पीरियड को मानेंगे और उसके बाद हमें वास्ट टेम्पल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर हमें फ्लैट रूफ टेम्पल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टेम्पल नंबर 17 है एट सांची मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैट रूफ थी, मतलब शिखरा नहीं है क्योंकि उस टाइम पर उतना आर्किटेक्चर डेवलप नहीं हुआ है, अभी बेसिक टेम्पल है, तो जो शिखरा बनाने की आर्ट है ये बाद में आएगी। शिखरा बेसिकली, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, आपने मंदिर देखे होंगे बहुत सारे, तो मंदिर अगर आप देखें दूर से आपको क्या दिखता है, पूरी ऐसी एक क्या कहते हैं ना, एक ऐसी टोपी टाइप की, जैसे अगर मैं बोलूं अगर सिंपल भाषा में, सॉरी मुझे माफ करना अगर मैं रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपको मंदिर के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको शिखर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैट रूफ थे उस टाइम पर ऐसे शिखर नहीं थे। उसके बाद जनरली जो टेम्पल थे वो स्क्वायर शेप के थे, स्क्वायर शेप के, अगर हम एक बाउंड्री बनाए हमारे टेम्पल की आसपास की, तो स्क्वायर शेप आ रही थी। देन पोर्टिकोज ऑन शेलो पिलर, पिलर इतने मजबूत नहीं थे, जो बरामदा था वो छोटे छोटे पिलर्स पे टिका हुआ था, शेलो पिलर्स पे टिका हुआ था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मंदिर थे ये उठे हुए नहीं थे, मतलब अभी तो आप अगर मंदिर देखें तो चढ़ के जाते हैं सीढ़ियों पे, और जनरली अगर आपका एक प्लेन पे भी मंदिर है तो भी मंदिर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के बनाया जाता है, ठीक है, काफी ऊपर तक नींव उसकी भरी जाती है और उसके बाद आप लोग मंदिर में जाते हैं। आप मनसा देवी मंदिर अगर चंडीगढ़ में गए हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जनरली मंदिर आपका रेस्ट प्लेटफॉर्म पे होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर उस टाइम पर लो प्लेटफॉर्म पे थे, जो हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का एग्जांपल क्या है, टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची, बहुत पुराना टेम्पल है। तो आपको याद रखना कि पहले स्टेज में कोई शिखर नहीं है, पहले स्टेज में स्क्वायर शेप है, और पहले शेप स्टेज में आपके जो टेम्पल है ये लो बेस पर है, मतलब उनका लेवल जमीन का ही लेवल है, उठे हुए नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेज देखें तो यहाँ पर हमें एक चेंज देखने को मिलता है कि अब जो आपके टेम्पल होंगे ये रेस्ट पे हैं। देखिए यहाँ पर जो टेम्पल आपको दिख रहा है ना, उठा हुआ, स्टार्टिंग में इतना उठा हुआ नहीं है, स्टार्टिंग में बिल्कुल लेवल पे ही है, लेकिन यहाँ पर ये उठना शुरू हो गया है। तो ये है पार्वती टेम्पल एट नचरा उधारा, जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, वहां का टेम्पल। तो यहाँ पर हमें रेस्ट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे और हमें 2-story टेम्पल देखने को मिलते हैं, जो कि आज भी बहुत यूनिक एक फीचर माना जाता है, 2-story टेम्पल, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सेकंड स्टेज में देखने को मिलती है कि टेम्पल के आसपास एक पूरा एक प्रदक्षिणा पाथ बनाया गया, जिसपे आप पूरे टेम्पल के आसपास एक चक्कर लगा सको। आपने देखा होगा ना, कई बार कहते हैं परिक्रमा कर लेते हैं पूरे टेम्पल की, ठीक है, तो एक प्रदक्षिणा पाथ जो है वो आपका बनाया गया इन दी सेकंड स्टेज, जहां पर आप टेम्पल के पूरे चारों तरफ घूम सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि सेकंड स्टेज में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, पहली स्टेज में रेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं थे तो सेकंड स्टेज में रेस्ट प्लेटफॉर्म आ गए, पहली स्टेज में फ्लैट रूफ सिंगल स्टोरी थे, सेकंड में डबल स्टोरी आ गए। थर्ड चेंज जो सबसे मेन है वो ये क्या है कि अब हमें टेम्पल के आसपास एक प्रदक्षिणा पाथ देखने को मिल रहा है, परिक्रमा वाला पाथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आती है थर्ड स्टेज। देखिए थर्ड स्टेज में जो सबसे मेन डेवलपमेंट है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में कवर भी करवाऊंगा, वो है पंचायतन स्टाइल। एक पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाइल है और हमें आज के हमारे जितने भी टेम्पल है वो इसी स्टाइल में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपको पहले तो शिखरा देखने को मिलेंगे, शिखरा जो थोड़े छोटे होंगे, छोटे मतलब कि बहुत हाई शिखरा नहीं आज के टेम्पल्स की तरह कि आप बहुत दूर से उनको देख पा रहे हो, थोड़े छोटे शिखरा हैं लेकिन इमर्ज हो चुके हैं, जैसे आप यहां पर इसका शिखरा देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका पंचायतन स्टाइल और शिखरा की जो एवोल्यूशन है थर्ड स्टेज में आई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि कौन सी स्टेज में हमें जो टेम्पल्स है वहां पर शिखर और
जो आपके पंचायतन स्टाइल है उसकी एवोल्यूशन देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है थर्ड। और हर एक का एग्जाम्पल भी याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो मस्ट है आपको बताओ ना। तो दशरथ टेम्पल जो है देवगढ़ यूपी में, वहां पर हमें इस टाइप के टेम्पल देखने को मिलते हैं। फिर आती है फोर्थ स्टेज, अभी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा पंचायतन स्टाइल के बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, वेट करिएगा थोड़ा सा। जो फोर्थ स्टेज है, यहाँ पर जो आपका सेंक्टम जो टेम्पल का शेप है, ये स्क्वायर था स्टार्टिंग में, स्क्वायर से चेंज हो गया, अब हल्का सा रेक्टेंगुलर हो गया। जो पहली स्टेज है वहां पर जो आपका टेम्पल का सेंक्टम का जो शेप है वो आपका क्या है, स्क्वायर। लेकिन जब आपकी पंचायतन स्टाइल की एवोल्यूशन होगी तो वहां पर टेम्पल की शेप जनरली चेंज होनी शुरू हो जाएगी और आपको रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब पहले अगर स्क्वायर है तो अब आपको टेम्पल थोड़े लंबे ऐसे देखने को मिलेंगे, ये आपका टेम्पल का बेसिक साइज होगा अगर यहां से एंट्री है तो। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप के टेम्पल्स हमारे बनने शुरू हो जाते हैं इन द फोर्थ स्टेज। और एक और बात आपको याद रखना है कि फिफ्थ स्टेज में हमें सर्कुलर टेम्पल भी देखने को मिलेंगे, जनरली जो हमारे ईस्टर्न एरियाज हैं, बंगाल या बिहार या फिर उड़ीसा वाले एरिया, वहां पर हमें जैसे मनियार मठ है राजगीर में, यहां पर हमें सर्कुलर टेम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर प्रोजेक्शन बाहर आ रही है, टेम्पल की जो शिखर है वो बाहर तक इवॉल्व होकर आ रहे हैं। तो ये पांच बेसिक स्टेज है टेम्पल आर्किटेक्चर के, कोई डाउट नहीं रखना है, अगर डाउट है तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए और मैं आपके डाउट को वहां पर रिप्लाई भी करूंगा पक्का। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होगा कैसे चीजों को कवर करना है, सिंपल सी इमेज बना लीजिए दिमाग में कि पहली स्टेज फ्लैट रूफ है, लो प्लेटफॉर्म में और स्क्वायर शेप है, सेकंड में क्या हुआ, प्लेटफॉर्म थोड़ा उठा दिया और जो आपकी फ्लैट रूफ थी वहां पर डबल स्टोरी कर दी, थर्ड में क्या किया कि शिखरा बना दिया और टेम्पल में पंचायतन स्टाइल लेके आ गए, चौथा क्या किया कि जो आपके टेम्पल है वहां पर हमने क्या किया कि जो शेप है उसको स्क्वायर से थोड़ी सी रेक्टेंगल कर दी, लास्ट में क्या किया कि सर्कुलर शेप के टेम्पल भी बनाने लग गए। इसके बाद दोस्तों हमें फर्दर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी, वो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हर एरिया के हिसाब से, हर एरिया में जो मटेरियल मिलता है उसके हिसाब से और हर एरिया के आर्टिशन के हिसाब से हमें आठ टाइप के जो टेम्पल है वो बनते हुए दिखेंगे, जिसमें नगरा, पाला, वेसरा, विजयनगरा, द्रविड़ा। ठीक है, और नगरा में भी हमें फर्दर तीन डिवीजन देखने को मिलेंगी, सोलंकी वाली हो गई या फिर उड़ीसा वाली हो गई, ये हम कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। तो अगले लेक्चर में हम नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर एक चीज जो रह गई है वो है पंचायतन स्टाइल। देखिए पंचायतन स्टाइल क्या है, बेसिकली पंच मतलब पांच और यातन मतलब जो डाइटीज है उन शेप है उसको इंक्लूड करके पंचायतन स्टाइल बना है। तो पंचायतन स्टाइल में जो आपकी मुख्य माता है या फिर जो मुख्य आपकी डाइटी है, माता जी या डाइटी जो है, उनको सेंटर में रखा जाता है, सेंटर में, जैसे टेम्पल का जो गर्भगृह है या फिर टेम्पल की जो शेप है, यहाँ पर जो मुख्य डाइटी की जगह होगी वो सेंटर में होगी और उनके आसपास जो जैसे इंपॉर्टेंट डाइटीज जो है और लेकिन मुख्य नहीं है उनको प्लेस किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल गणेश जी, ठीक है, या फिर काली माता जी या फिर हनुमान जी या फिर भोले भगवान, ऐसे यहाँ पर आपको चार सब्सिडियरी डाइटी देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच में कौन होगा, बीच में आपकी मुख्य माता या मुख्य डाइटी होगी। ठीक है, ये अगर मान लो हिंदू विष्णु जी का टेंपल है तो विष्णु आपको सेंटर में देखने को मिलेंगे, उनके आसपास चार सब्सिडियरी उनके देखने को मिलेंगे। अगर मान लो आपके भोले का टेंपल है तो भोले में आपको बीच में भोले देखने को मिलेंगे। तो ये पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान ये रखिएगा कि पंचायतन स्टाइल में आपको लिखना क्या है कि यहाँ पर देर आर फोर सब्सिडियरी श्राइन्स, श्राइन मतलब जो मुख्य माता या भगवान के जो एरिया है उनको श्राइन कहते हैं, अलोंग विद द टेंपल ऑफ प्रिंसिपल डाइटी, जो प्रिंसिपल डाइटी वो बीच में है। द मेन टेंपल वॉज स्क्वायर, लेकिन जब ये शेप बनाई जाती है तो जनरली ये रेक्टेंगल की शेप ले लेती है। और यहाँ पर जो सब्सिडियरी श्राइन है, दे वर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द मंडप, ये जो मंडप है पूरा, इस पूरे को मंडप कहेंगे, इसके अपोजिट साइड पर यहाँ पर ऐसे चारों को प्लेस किया जाता है। और यहाँ पर दशरथ टेम्पल जो है देवगढ़ में या फिर दुर्गा टेम्पल जो है वहां पर हमें शेप देखने को मिलेगी, जैसे पंचायतन स्टाइल है, यहाँ पर एक डाइटी यहाँ पर होंगी, एक यहाँ पर होंगी, एक उस तरफ पीछे को होंगी और एक उस तरफ होंगी, और बीच में आपकी सेंट्रल डाइटी होगी। ठीक है, तो ये पंचायतन स्टाइल बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है और डिफरेंट तरीके से इसके एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, अगर लेक्चर ध्यान से सुना है, अगर कुछ दिमाग में गया है इंपॉर्टेंट चीजें और आप उसको रिटेन कर पाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 120 शब्दों का, अभी लिखिए और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसको रिव्यू करके आपके मार्क्स आउट ऑफ 8 वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कवर किया, आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करवाएंगे और जो बाकी टेम्पल है या जो आर्किटेक्चर का पूरा शेप है टेम्पल का उसको हम कवर करने वाले हैं।
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।